अगस्त की ये घटना है जिसमें कि थाने पर धारा 353 के जो आरोपी गिरफ्तारशुदा थे उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई थी। उस प्रकरण में हम लोगों की जांच कंप्लीट होने के बाद उनको हमने चार्जशीट दी है, और चार्जशीट देने के साथ ही साथ चूंकि इसमें उनके पुलिसकर्मियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया था तो उसमें हमने FIR भी दर्ज की है और इसकी विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट किया। इसमें थाना प्रभारी तत्कालीन दिनेश चौंगड़ और उनके साथ में जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उन पर ये FIR दर्ज हुई है। सर, ये अभी आपने कोई पत्र लिखा है DG को साहब? देखिए, इसमें चूंकि जिले की पुलिस की इसमें भूमिका थी और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होके कोर्ट में जाए और कोई जिले पर आरोप ना लगाए, इसलिए इसमें अन्य जिले को ये केस ट्रांसफ़र करने के लिए EDG सर को लिखा गया है। इसमें जो घटना थी उसी समय पे माननीय राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने इसमें संज्ञान लिया था और हमसे रिपोर्ट तलब की थी, तो हमने जो है उन्हें रिपोर्ट भिजवा दी थी। खबरों की कतार लगातार MP से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। MP न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।